तो हेलो मेरे भाइयों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में ना 8 वर्सेस TDM का पूरा पूरा चिट्टा किट्टा आपके सामने खोल दूंगा कि एक्जैक्टली कैसा मैप होने वाला है और एक्जैक्टली क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं, ठीक है, और कैसे कैसे आपको खेलना पड़ेगा। बता दो कि 8 वर्सेस TDM का कुछ दो दो मैप दिखेगा, यहाँ पे देख पा रहे हो, एक तो TDM मैप होगा, एक तो एरेना ट्रेनिंग होगा। TDM मैप जो है आराम से लोड आउट से कोई भी गन सेलेक्ट कर सकते हो, और ट्रेनिंग में तो पता ही होगा आपको कि गन वहाँ पड़े रहते हैं, आपको आराम से जाके ले सकते हो, ठीक है। ये दो मैप है यहाँ पे, ये जो है एक दिन 19 घंटा बाद ही आप खेल पाओगे, लेकिन ये जो है बीटा में अभी भी अवेलेबल है। अगर आप बीटा में, अगर आपका बीटा है ना, तो जाके आप खेल सकते हो, वहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो है ना आपको अलग से रूम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, रूम से भी इसको हटा दिया गया है, एक दिन 19 घंटा बाद ही ये आएगा, उससे पहले आएगा नहीं। लेकिन वहाँ पे जो है हम लोग को एक तो अचीवमेंट पहले से शो कर दे रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो अचीवमेंट हम लोग को शो कर रहा है, ये 8 वर्सेस TDM का ऑफिशियल अचीवमेंट है। जो गाइस कुछ ही देर पहले जो है 8 वर्सेस TDM का यहाँ पे अचीवमेंट शो कर रहा था, लेकिन अभी जो उसको हटा दिया गया, उसको पता चल चुका होगा कि बहुत पहले शो हो चुका है, इसलिए उनको हटा दिया गया, ठीक है। देख पाओ यहाँ पे 8 वर्सेस 8 एक्सपर्ट नाम का एक तो इवेंट मतलब अचीवमेंट आया था, जहाँ पे आपको एलिमिनेट मोर देन 200 प्लेयर्स इन द एरेना, ठीक है, मतलब 200 प्लेयर्स को आपको मारना है 8 वर्सेस 8 TDM में, एक मैच में नहीं, आप बहुत सारा मैच खेल सकते हो, जितना भी मैच लगेगा आपको आराम से आप खेल सकते हो, ठीक है। अगर अभी आपको लग रहा हो कि 200 बंदे मारना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो है टोटल इन टोटल आपको जो 80 किल्स करने पड़ते हैं टोटल, तब जाके आप जो है वहां पे 8 वर्सेस TDM का एक मैच जीतते हो, ठीक है। तो 80 किल्स में जो है आपका आराम से बहुत सारे किल्स होते रहेगा, तो मैं अभी और दिखाऊंगा आपको, देखते रहो वीडियो को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है 8 वर्सेस 8 TDM का बीटा का गेम प्ले, और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्जैक्टली कैसा गेम प्ले होने वाला है। तो यहाँ पे जो है 8 वर्सेस 8 रहेगा, और यहाँ पे टोटल आपको 80 किल्स करने पड़ेंगे टीम के, ठीक है, टीम के 80 किल्स होने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो आप ये मैच जीतोगे, जो पहले 80 किल्स करेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि जो है यहाँ पे आपको दो ऐसे लोकेशन दिखाऊंगा जहाँ पे आप लैडर से ऊपर चढ़ सकते हो। जी हाँ गाइस, देख पा रहे हो यहाँ पे सीढ़ी लगा रहेगा, इस लैडर से ना ऊपर चढ़ सकते हो, दो दो लैडर रहेगा यहाँ पे, दोनों से आप किसी में भी चढ़ सकते हो आराम से, जो है ऊपर से बंदे को मार सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप स्नाइपिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे जो आप AKM या राइफल को भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये जो है मैं दिखा दे रहा हूँ जगह, तो आप देख लो जगह, देख के ना आप जाके वहाँ पर चढ़ के मार भी सकते हो, लेकिन आपका बंदा भी चढ़ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो है एनिमी ना चढ़ने पाए, मतलब 2-3 जन वहाँ रहेगा, बाकी 4-5 जन जो है नीचे रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी सही मैप है, पूरा CS:GO जैसा फीलिंग दे रहा था मेरे को। इस आपको कैसा लगा बताना कमेंट्स के अंदर में, देख के कैसा लगा। अगर आपके बीटा है ना, तो इस बीटा जाके आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बीटा में ये वाला मैप अभी भी अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर खेल सकते हो, ठीक है। मैंने जो है बीटा गेम प्ले आपको दिखाया है, देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं चढ़ चुका हूँ, और यहाँ पे जो आराम से मैं किसी को भी मार सकता हूँ, ये देख पा रहे हो, यहाँ से पूरा इजीली है, मेरा पूरा व्यू दिखेगा मेरे को यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से बंदे भी आ सकते हैं, लेकिन बंदे को भी मारते रहना है, देख पा रहे हो यहाँ पे अलग थोड़ा थोड़ा रूम भी है, यहाँ पे कोई मान लो कि आसपास बंदा आएगा तो आप रूम के अंदर जा सकते हो, यहाँ पे मतलब क्लच बहुत अच्छा होगा, समझे, क्लच जो है बहुत सही रहेगा, यहाँ पे आप 1v3 कर पाओगे आराम से। तो देखते हैं यहाँ पे रेड और ब्लू कलर का आपको कोटिंग रहेगा, सबको जो है आपको ब्लू ब्लू दिखेगा, आपका अलग से अपना आउटफिट नहीं रहेगा, यहाँ पे सब ब्लू रहेगा और रेड रहेगा, देख लो यहाँ पे ओपोनेंट रहेगा रेड में, आप रहोगे ब्लू में, तो ये दो तरीके के आउटफिट रहेंगे, जिससे जो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो रेड रहेगा वो आपका एनिमी रहेगा, ब्लू जो है आपका वो खुद का बंदा है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे किस तरह के जाना है आपको, क्लाइम का ऑप्शन आएगा, सिंपल सिंपल ऊपर आपको जो है ड्रैग कर लेना है अपना कर्सर को, अब आराम से जो ऊपर चढ़ जाओगे, ठीक है। तो बस आपको देखना पड़ेगा कि बंदा यहाँ बहुत ज़्यादा रहेगा, आप ऊपर चढ़ने जाओगे तो आपको मार देगा कोई भी, ठीक है। तो ये देखिए पूरा पूरा वीडियो देखो, इस पूरा मैंने समझा दिया आपको एक्जैक्टली, कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, मैं आपको जो है बता दूंगा क्या मैं आपको 80 किल्स करने पड़ेंगे जीतने के लिए, यहाँ तक कि जो एरेना ट्रेनिंग और लोड आउट दो अलग मैच रहेगा, स्टेडियम में दिखा दिया है सीक्रेट लोकेशन, ये लैडर का कैसे लैडर चढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि जो है ये जो मैप है ना, ये मैप सेंटोरिनी CS:GO ऐसा आपको फीलिंग देगा, ठीक है। तो कोई और डाउट रहेगा जरूर बताना कमेंट्स के अंदर में। तो गाइस अभी आपको बहुत जन का डाउट रहेगा कि वहाँ पे 80 किल्स तो करने बोला गया, तो क्या पूरा पूरा टीम का किल काउंट होगा यहाँ पे, या मेरा खुद का किल काउंट होगा। बता दो कि आपको जो है खुद के किल काउंट होंगे, 80 में से आपने जितना किल किया ना वो ही खाली यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। 20 किल्स 30 किल्स अगर 80 में से आपने किया है तो वही वाला यहाँ पे जो काउंट होगा, पूरा का पूरा टीम किल्स काउंट नहीं होने वाला, ठीक है। आपको जो है पर्सनल किल्स कितना किया आपने वो काउंट होगा, और ये जो है आपका 2-3-4 मैच आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मैप है, आप आराम से जो है कहीं भी बैठ के या फिर जो है बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ एक साथ खेल खेल कर सकते हो आराम से, ठीक है, तो टाइम नहीं लगेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। इसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स निकलेंगे, देखते जैसे ये मैप आ जाएगा ना, इसके बहुत सारे अलग टिप्स एंड ट्रिक्स निकलेंगे, मैं आपको दिखाते रहूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।